कल जिस प्रकार का नेता प्रतिपक्ष का बयान था, अपने हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, साथ साथ बिहार के जनता का वो अपमान भी कर रहे हैं। बार बार बिहार के जनता को वो कहते हैं कि ये चोरी का जनादेश है। बिहार विधानसभा के पांचवें सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने आ गए। 15 साल बाद नीतीश कुमार का ये रौद्र रूप बिहार विधानसभा में देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे धड़ाधड़ आरोप लगाए, तब आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सब्र का बांध टूट गया और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जबरदस्त फटकार लगाई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त भिड़ंत पर जब हमारी बात सहरसा के बीजेपी विधायक आलोक रंजन से हुई, तो सुनिए आलोक रंजन, उन्होंने क्या कुछ कहा। कल का जो दिन था विधानसभा सत्र का, ये बिहार के इतिहास के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है इस सरकार के प्रत्येक विषय पर बिहार के विकास में सरकार को आप सचेत करिए, लेकिन कल जिस प्रकार का नेता प्रतिपक्ष का बयान था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था, बहुत अशोभनीय बयान था। इसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। वो जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे मुख्यमंत्री जी पर, जो बिल्कुल अशोभनीय था, और हमको लगता है कि इस सारी चीज़ों को बिहार की जनता देख रही है। वो जिस प्रकार से विधानसभा में लगातार कर रहे हैं, उनको अपने हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है। और उतना ही नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी पर जो ओछी टिप्पणी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, इतना ही नहीं, साथ साथ बिहार के जनता का वो अपमान भी कर रहे हैं। बार बार बिहार के जनता को वो कहते हैं कि ये चोरी का जनादेश है, ये सीधा सीधी जनता के जनादेश पर का अपमान करना होता है। और बिहार की जनता उनको देख रही है, आने वाला समय फिर पुनः उनको जनता इसके लिए सबक सिखाएगी।